संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम पानी वाले अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसके लिए 2 किलो आम लिया है, थोड़े से नमक, हल्दी, मिर्ची, कलौंजी, मेथी, सौंफ, धनिया और राई। बर्तन लेंगे भगोना इस तरीके से और उसमें अपने आम डालेंगे जो हमने धोकर काट करके और धो लिया है अच्छे तरीके से। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि धो ले आम को अच्छे से। हल्दी डालेंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच। साफ पानी डालेंगे पीने वाला। अब इस पतीले को गैस पे रखेंगे, गैस को ऑन करेंगे, होना चाहिए ताकि आम अच्छे से हमारे डूब जाए। ये देखिए ज्यादा पानी नहीं डालना है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, और इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। 1 कर देंगे और इसे चेक कर लेंगे खोल करके। हमें ज्यादा नहीं पकाना है, पक गया है ये, इसका ऊपर छिलका ज्यादा नहीं पकाना है, ये अंदर से थोड़ा थोड़ा दबने लगे। एक टोकरी लेंगे और जाली वाले या बर्तन ले लीजिए आप, और ये छन्नी लेंगे और इस तरीके से पूरे निकाल लिए हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 2-3 घंटे के लिए, जब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। गैस के फ्लेम को तेज कर देंगे, गैस पे कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें अपने सरसों डालेंगे। एक कटोरी सरसों लिया है, इसे ज्यादा नहीं सेकेंगे। देखिए चट-चट की आवाज करने लगी है, अब हम इसे बंद कर देंगे गैस को, इसका मतलब ये सिक चुकी है। हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पर। हमारी सरसों सेककर तैयार हो गई है, हमने एक प्लेट पर इसको निकाल लिया। अब ये धनिया डालेंगे, धनिया सरसों का आधा लेते हैं, जितना सरसों लेते हैं उसका आधा धनिया लेते हैं। 1 कटोरी सरसों लिया था तो आधा कटोरी धनिया लिया है। धनिया हमारी लाल हो गई है, हम गैस को बंद कर देंगे। धनिया सेक करके तैयार हो गई है, अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। ये हमारी धनिया सेककर तैयार हो गई है, हमने एक प्लेट पर इसको निकाल लिया है। सेकेंगे जो कि हमने 1/3 लिया था, इसे भी लाल होने तक सेकेंगे। सेक करके तैयार हो गई है, हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। दाना सेकेंगे, ये सारे मसालों को सेक लीजिएगा, सेकने से टेस्ट अधिक अच्छा आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है इसमें। इसे धीमी आंच से सेकेंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि मेथी जरूर सेकें। ये मेथी दाना सेक करके तैयार हो गया है, तीनों मसालों को सेक करके तैयार कर लिया है। अब हम चलिए इनको पीसने की प्रोसेस में चलते हैं। लहसुन को भी पीसेंगे और ये सारे मसालों को पीस लेंगे। इस तरह से हम छन्नी लेंगे, कांटे वाले आटे छन्ने वाले आप ले सकती हैं, और इसे मेथी दाना को छानेंगे। ये हमारा मेथी दाना छन गया है, अब सौंफ छानेंगे, और सारे मसालों को हम नहीं छानेंगे। ये धनिया पाउडर है, इसको हम नहीं छानेंगे क्योंकि हमको दरदरा ही चाहिए। ये सरसों है, ये भी हमको दरदरी चाहिए, इसलिए हम इसको भी नहीं छानेंगे। ये हल्दी पाउडर, ये मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकती हैं, कम तीखा ज़्यादा तीखा जैसे खाते हैं उसके हिसाब से आप ले सकती हैं। ये करायल है, कलौंजी, इसको हम सेके नहीं है, इसको नहीं सेकते हैं। और ये नमक, नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं अपने हिसाब से।
अब सारे मसालों को एक बार मिक्स कर लेंगे, हाथ से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, तरीके से बराबर से मिक्स कर लीजिए। हल्दी थोड़ा ज़्यादा डालिए ताकि अच्छा पीला अचार आए। और हम इसमें अब डालेंगे लहसुन, लहसुन छील करके पीस लिया है, हम इसको भी इस तरह से बराबर से मिक्स कर लेंगे। ये इस तरीके से बराबर से मिक्स कर लीजिए, ये लहसुन भी मिक्स हो गई है पूरी, ये देखिए। तेल इसमें अभी और लगेगा, ये देखिए हमारा तेल मिक्स हो गया है। और हम इस मसाले को थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे क्योंकि पानी वाला अचार बना रहे हैं। और इसे इस तरीके से बराबर से लपेट देंगे, एक एक करके लपेटेंगे ताकि इसमें इसमें मसाला अच्छे से भर जाए। इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए बिल्कुल पूरे में मसाला अच्छी तरह से भर गया है। अब हम इसे डब्बे में रखेंगे। ये हमारा पानी वाला अचार बन करके तैयार हो गया है। अगर आप ये पानी वाला अचार डाल रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि 7-8 अंगुल गैप छोड़ दें। अब चलिए हम अगले की प्रोसेस 2 दिन बाद करेंगे। ये हमने 2 दिन पहले अचार रखा था, ये पानी वाला अचार रखे थे, इसमें पानी ऐड नहीं करे थे, हमने बोला था 2 दिन बाद करेंगे पानी ऐड। 2 दिन हो चुके हैं, अब हम इसमें पानी डालेंगे। हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, लेकिन पानी बिल्कुल धीरे धीरे डालेंगे, स्पीड में नहीं डालेंगे, नहीं तो जो हमारा ये मसाला है सब बह जाएगा। ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे डालना है पानी। ये हमारा पानी वाला अचार बन करके तैयार हो गया है। आप एक बार ज़रूर इस अचार को बना करके खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर पानी वाला अचार बना रहे हैं तो मसाले में थोड़ा सा नमक ज़्यादा रखें और पानी आराम आराम से डालें और डब्बा थोड़ा सा खाली रखें।